Hello, my name is Dr. Jay Trivedi. Basically, I am a homeopath. I had completed my BHMS in 2014. I had worked with Dr. Bharat Mandlik and Dr. Samir Nayak at Krishna Hospital. I had worked with Dr. Nilang Vasavada at Mathuram Hospital. Now I am working with Dr. Kan Jogani at Wokhard Hospital, Rajkot. I had completed my fellowship of post-graduation in National Academy of Homeopathy under Dr. Adil Chimthanawala last year. In 2015, मैंने मेरा क्लिनिक ओपन किया, मेरा खुद का मेरा पर्सनल क्लिनिक जहाँ मैं प्रैक्टिस कर सकूँ अपने हिसाब से. तो तभी जो क्लिनिक का जो वेटिंग पीरियड था, जो कोई भी बिजनेस में एक वेटिंग पीरियड रहता है, वो मेरे क्लिनिक में मुझे भी एहसास हुआ वेटिंग पीरियड था. तो वो मैं वेटिंग पीरियड में सुबह शाम आता था, इधर आता, एक पिक्चर देखता, एक मूवी देखता. फिर एक बार मेरे सब स्कूल फ्रेंड्स इकट्ठे हुए यहाँ पे मेरे क्लिनिक पे ही, तो मैंने सबको इनवाइट किया मेरे क्लिनिक में आने के लिए कि भाई आप लोग सब आओ मेरे क्लिनिक पे, हम लोग साथ में बैठेंगे, खूब गप्पे लगाएंगे, मज़े करेंगे. तो उसमें पता चला कि भाई एक मेरा दोस्त है वो गिटार बजाता है, एक मेरा दोस्त है वो फ्लूट बजाता है, और एक जो दोस्त था वो झंबे बजाता है. तो सबको मैंने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर यहाँ पे इकट्ठा किया, और मुझे म्यूज़िक का शौक था पर कुछ मैं कुछ कर नहीं सकता था म्यूज़िक में, कि भाई चलो कि मैं कुछ बजाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मुझे कुछ नहीं आता था म्यूज़िक में. उस दिन जब मैंने सबको इधर बुलाया तो मेरे एक दोस्त अभिषेक सूचक, उसने फ्लूट बजा के मुझे सुनाया और मुझे बहुत पसंद आया वो. फिर दो तीन दिन बाद अभिषेक वापस इधर आया और उसने मुझे बोला कि भाई तू एक काम कर, तू इधर बैठा ही रहता है तो फ्लूट बजा, प्रैक्टिस कर. मैंने बोला भाई ये मुझसे नहीं होगा, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसमें फूंक ही मारना और कुछ नहीं करना है, पर तू कर. तो उसने मुझे मोटिवेट किया फ्लूट बजाने के लिए. उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठे बैठे ही सब प्रैक्टिस किया, सब सारे गमा पदनी सा सब वो मुझे अभिषेक ने सिखाया कि भाई इस तरह सा बजता है, इस तरह रे बजता है, इस तरह म बजता है, इस तरह प बजता है, सब सब कुछ अभिषेक ने मुझे सिखाया यहाँ पे. थोड़े दिन बाद, लगभग तकरीबन एक या डेढ़ महीने बाद, मेरे फ्लूट में से अच्छी तरह से फूंक निकलने लगा, अच्छी तरह से मेरा सांस निकलने लगा. उसके बाद उसने मुझे अलंकार सिखाया कि भाई इस तरह अलंकार बजते हैं, सारे घर गम गम प म प ध प ध नि ध नि सा, इस तरह अलंकार मुझे उसने सिखाया. तकरीबन दो तीन महीने बाद मुझे श्री भूषण पाठक जी मिले. भूषण पाठक जी ने आगे मुझे सिखाया कि किस तरह आगे किस अलंकार बजाते हैं, किस तरह ये राग बजाते हैं, कैसे गीत को बजाया जाता है, कैसे लय को बजाया जाता है, क्या तान होती है, वो सब भूषण पाठक जी ने मुझे सब सिखाया. फ्लूट बजाने के समय मुझे काफ़ी परेशानी, काफ़ी मुश्किलियों का भी सामना करना पड़ा. जैसे जो लोग मुझे देखते थे वो ऐसे कहते, ये क्या तू पपूड़ी लेके बैठ जाता है, ये क्या तू ऐसे कर ऐसे बैठ जाता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये तू तेरा टाइम टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तुझे कोई बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू अपना बिजनेस नहीं संभालता अच्छी तरह से. पर मैं यहाँ मेरे क्लिनिक पे बैठा बैठा ही ये वजह था, जब कोई नहीं होता था तब वो कोई किसी ने भी मार्क नहीं किया, सब ऐसे ही मुझे बोलते थे कि भाई ये तू गलत बजाता है, ये तू इस तरह करता है, ये तू उस तरह करता है वो. बट मेरा एक पैशन था कि भाई मुझे कुछ करना है. फिर एक दिन हम लोग भूषण पाठक जी के घर गए थे, तब वहाँ हमको चेतन भैया मिले. चेतन भैया हाल में अभी गुरुकुल में रहते हैं, पंडित हरिप्रसाद जी के शिष्य है वो. फिर उसने एक दिन हमको मुंबई इनवाइट किया कि भाई आप लोग मुंबई क्लास लेने के लिए आओ. फिर हम भूषण पाठक जी से हमने परमिशन लिया कि इस तरह मुंबई हमको वहाँ पे क्लास लेने के लिए चेतन भैया ने बोला है, तो क्या हम वहाँ जाए क्लास लेने के लिए. तो भूषण पाठक जी ने हमको बोला कि भाई आप अगर वहाँ जा सकते हो तो वो बेटर है आपके लिए. मुझे एक एक पुश दिया कि भाई तुम जाओ वहाँ पे, महीने में एक बार जाओ पर जाओ वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा इम्प्रूव होगे, ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूव होगे वहाँ पे. भूषण पाठक जी ने हमको खूब सपोर्ट किया, उसने हमें गुरुकुल जाने के लिए मोटिवेट किया. फिर चेतन भैया ने हमको खूब सपोर्ट किया, वो हमको गुरुकुल ले गए, गुरुकुल में हमें शिक्षा दी, वो भी गुरुकुल में हमें शिक्षा दे रहे हैं. आई एम लर्निंग अंडर श्री चेतन राठौर जी, डिसाइबल ऑफ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी. और मैं ये यूथ को ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये फ्लूट
सितार संतूर ये सब हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको मिटाना नहीं है, उसको डेवलप करना है। मेरे एक दोस्त ने बोला था कि इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद करता है, आप इंस्ट्रूमेंट को पसंद नहीं करते। तो सभी यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो, आप जानो अपने अंदर के हुनर को, जानो कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है, आपकी स्टोरी क्या है, आपके अंदर क्या छिपा हुआ है, आपके अंदर कौन सा हुनर है, आप क्या कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट, अपना बेस्ट दो। दिस इज माई इंस्टा स्टोरी, वॉट अबाउट यू, वॉट इज योर इंस्टा स्टोरी, आर यू रेडी फॉर योर इंस्टा स्टोरी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई मिस्टेक हमारी हो अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। थैंक यू, धन्यवाद।